नहीं, अभी देखिए सीटों की संख्या अभी नहीं बताई जा सकती है। जैसे जैसे प्रत्याशी हैं, जहां भी हम लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि नफीस के लिए यहां पर पूरा हर वर्ग में, बड़े बुजुर्ग से लेकर के नौजवानों में उत्साह है। कोई जात पात का बंधन नहीं है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। इस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ मजबूत प्रत्याशी हैं वहाँ लड़ा जाए। महाराज जी, क्या लगता है कि कितनी सीटें आपकी आएंगी? आप लोग का सहयोग रहा तो जितना हम सोच रहे हैं उससे अधिक आएंगे। राजा भैया, 2019 नहीं, आप गलत है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 93 में, 96 में, 2002 में बराबर उतारे। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उनकी तरफ से गलत बयानी हो रही है। राजा भैया, 2019 में आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का, विधानसभा के चुनाव में हम पहली बार उतर रहे हैं, तो लोकसभा में आपको उतनी सफलता नहीं मिल सकी थी, विधानसभा में क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, 30 नवंबर 2018 को पार्टी का गठन हुआ था और सपा बसपा मिल करके लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी। इसके बावजूद कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा, इन दोनों में जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी थी और बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करी थी। अब तब से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अपना संगठन खड़ा हो चुका है। काफ़ी हम लोगों ने कोविड के इस महामारी के बावजूद काफ़ी सक्रियता लोगों में देखने को मिल रही है और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, मुन्ना भैया हैं, गोपाल जी हैं, आज सब लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, अनेक जनपदों का दौरा किया और परिणाम आज सामने दिख रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि किसी को समर्थन देने की जरूरत पड़ेगी तो क्या भाजपा को देंगे? देखिए, प्री पोल अलायंस तो है नहीं किसी के साथ, है ना। पोस्ट पोल अलायंस है अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने हमको जिताया है उनसे वार्ता करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि नेताजी भी आपके बड़े करीब हैं, योगी आदित्यनाथ भी बड़े करीब हैं, तो ऐसे में आप क्या फैसला? आप क्या दोनों से करीबी नहीं हो सकती है क्या? ये तो अच्छी बात है। नेताजी के प्रति हमारे मन में सदैव सम्मान रहा, इसको हम कह भी चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी सम्मान रहा है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी। सर, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? जनता, हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। एक तो देखिए, विषय थोड़ा लंबा है, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र जो है, जनसेवा संकल्प पत्र, उसकी एक एक प्रति हम अनुरोध करेंगे मुन्ना भैया, गोपाल जी, जी आप लोग दे दीजिएगा। लेकिन संक्षेप में हम कुछ बता दे रहे हैं, उसमें किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। उसमें जब हम किसानों की बात करते हैं तो तुरंत सबका दिमाग जो है पश्चिम की ओर चला जाता है, पूरे देश का। हमारे अवध में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में जो किसान हैं वो लघु सीमांत कृषक हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पर धान गेहूँ की फसल बोई जाती है। इन किसानों की कोई अपनी आवाज़ नहीं है, इनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन कई दिनों से लंबित हैं। उदाहरण के लिए, समय से DAP और यूरिया का ना मिलना, सही समय पर बिजली ना आना, सिंचाई की असुविधा है और सरकारी क्रय केंद्र पर इनकी फसल का पूरा खरीद ये नहीं होता है। उदाहरण के लिए, हम 15 क्विंटल से अधिक जो है पैदावार होती है, हमारे यहाँ कई ऐसे जगह हैं जहाँ 18 क्विंटल से भी अधिक पैदावार होती है धान की, लेकिन एक अघोषित निर्णय लिया गया है जिसमें ये क्रय केंद्रों को कहा गया है कि 10 क्विंटल से ज़्यादा प्रति बीघा खरीद नहीं करनी। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये 6 क्विंटल पर, अभी भाजपा की सरकार में 10 क्विंटल हुआ, यानी कि अगर जो किसान 15 या 18 क्विंटल पैदा कर रहा है वो अपनी शेष फसल कहाँ ले जा करके बेचेगा? मजबूरन उसको औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा। इस तरह की कई विसंगतियाँ हैं जो कि संक्षेप में हमने आपके सामने कही और हम चाहेंगे कि घोषणा पत्र भी आपको हम दे देंगे उसकी प्रति, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। राजा भैया, वर्तमान सरकार में युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है, युवा काफी आपसे उम्मीदें करते हैं, तो अगर आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा युवाओं के लिए इस सरकार? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, क्योंकि एक लंबा संसदीय कार्यकाल एक्सपीरियंस हो गया है विधानसभा का, हमने ये ध्यान दिया कि हर पार्टी जब भी चुनाव आता है तो 2 मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं, तो उसमें एक बेरोजगारी का होता है और एक महंगाई को होता है।
सरकारें अपने अपने ढंग से प्रयास करती हैं, कौन सरकार ने कितना प्रयास किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसको रहना है, तो कोई ये